आज तो वीक एक्सपायरी के थोड़ी मुनाफा वसूलने मार्केट सुनाते हुए देखिए कई पॉकेट्स से जहां पर अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कल के लिए इंडेक्स वाइज आउटलुक क्या है? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, जिस तरीके से अभी तक मूव रही है पिछले 10 दिनों की कंसिस्टेंट हाई टॉप बॉटम सीक्वेंस निफ्टी ने मेंटेन किया, बट अगर ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ को गेज करें तो आज आप एक हल्का सा नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑनगोइंग है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देखी गई थी। कल के सत्र के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 14,050 का मुझे लगा है, जिस तरीके से इसका 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसे काफी अच्छी तरह अभी तक निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं है पिछले 15 दिनों में। तो मुझे लगा कल के सत्र में थोड़ा सा साइडवेज टू रेंजबाउंड सेशन रह सकता है, सपोर्ट के लिए 14,050 एक अहम सपोर्ट होगा जो मुझे लगा कल के सत्र में होल्ड होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लगा कि 14,170 से लेकर 230 ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। मुझे लगा कहीं जाकर काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगी, मिड कैप्स काफी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगा वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। मैग्नेटिक अगर हम बात करें तो वहां पर भी जिस तरीके से डेटा है लगभग एक ब्रॉडर रेंज नजर आ रही है, 31,700 से लेकर 32,500 इस पर्टिकुलर रेंज में कहीं जाकर मैग्नेटिक ऑसिलेट कर सकती है। तो नॉन नेट मुझे लगा थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है, बट मेजर ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 14,050 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग बायस रखने की सलाह। ठीक है, चलिए सवालों करते हैं शामिल और बातचीत करने के लिए पहले कॉलर सुरेखा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एनआरबी मीटिंग है 1198 पर, तो हम क्या करना चाहेंगे? हम तो डाउन है। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सजानन का? 119 की बाइंग है, नारी में 112 पर है, तो बहुत नीचे तो नहीं है, 7 रुपए नीचे खरीदारी के भाव से क्या सजेशन होगा? देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, इनफैक्ट काफी समय के बाद इसने जो अपने वीकली 200 बार एक्सपोनेंशियल एवरेज को इसने काटा है, जिस तरीके से फिलहाल पिछले 3 दिनों उसके वॉल्यूम्स है, तो मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहने के बाद एक मूव जरूर रिज्यूम होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम पैटर्न के लिहाज से देखें तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था 95-96 के जोन में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से, जिसके टारगेट्स लगभग 130-135 के जोन में प्लेस है, तो मुझे लगा यहाँ पर उनको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, 105 और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए 130-135 के जोन में। होल्ड कीजिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ 130-135 के लेवल्स निकले तो वहां पे एग्जिट करना, फिर पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए ड्रिवन टैंक ने सवाल भेजा है, दो शेयर्स इनके पास सजानन, पहला तो है बजाज नेशनल बैंक जहां पर 38 रुपए की बाइंग है, 1,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, दूसरा स्टॉक इनके पास एनबीसीसी का जहां पर 32 रुपए की खरीदारी है, 860 शेयर्स है। बजाज नेशनल बैंक थोड़ा नीचे की खरीदारी के भाव से और एनबीसीसी में 32 की इनकी बाइंग है, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। दोनों का क्या सजेशन आपका होगा? दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगभग एक पुलबैक मोड ही नजर आ रहा है, अगर हम वीकली चार्ट को भी देखें तो जिस तरीके से पीएनबी यहाँ पर प्लेस है, मुझे लगा इंटरमीडिएट बॉटम जरूर आया है स्टॉक में अराउंड 32 के आसपास, तो एक अहम लेवल होगा उनके स्टॉप लॉसेस के लिए। बट ऑन द कंट्री मुझे यहाँ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है, मुझे लगा पुलबैक थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर काट भी जाता है जो लगभग 36 के आसपास है, तो यहाँ पर 40-42 के आसपास एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर जरूर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना हेल्दी नहीं है एंड जिस तरीके से एनबीसीसी है वहाँ पर मुझे लगा कंपेरेटिवली एक अच्छी मूव आने की गुंजाइश है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है लगभग 30 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था फिलहाल में, उसी की फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। तो जिस तरीके से इसके भी होल्ड प्लेस है, मुझे लगा 36 के आसपास के स्विंग जरूर बन सकते हैं, तो 30 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगा यहाँ पर पोजीशन को मेंटेन करनी चाहिए एंड 36-37 के आसपास जैसी स्विंग आते हैं वहाँ पर रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल पूछने के लिए दीपक है हमारे साथ छपरा बिहार से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल का। सर ये वाली टेक मेमोरी है 60 है 35 के, बताइए खरीदारी का भाव क्या है आपका? 35 है 100 रुपये 35 आपका बाइंग है, तो 34 के आसपास बंद हुआ है, 1 रुपये नीचे आपके भाव से, होल्डिंग भी छोटी है आपकी, क्या करना चाहिए? आमतौर पर बजट के नजदीक में काफी एक्शन बनता है, होल्ड कर ले थोड़े समय के लिए, टेक्स्ट रेट या कोई और सजेशन होगा? दीपाली मुझे लगा होल्ड करना चाहिए क्योंकि हाल फिलहाल में वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ है काउंटर में, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो एक इंटरमीडिएट स्विंग बना था 28 के आसपास एंड वो पर्टिकुलर स्विंग होने के बाद काफी कॉन्फिडेंट हाई टॉप बॉटम सीक्वेंस पिछले 7 दिनों से मेंटेन है एंड जिस तरीके से हम एक इवेंट के पहले प्रिपेयर हो रहे हैं, मुझे इन सारे स्टॉक्स में एक होल्ड की होगी, इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न प्लेस है, मुझे लगा 40-42 के आसपास के स्विंग यू नो बनने चाहिए, सो क्लियरली जिस तरीके से ये ब्रेकआउट होने के बाद एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुआ है हायर नोट, तो मुझे लगा 30 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड 40-43 ये ऐसा जोन होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी है। फिलहाल तो कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है पैटर्न में, वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इवेंट प्लेस है, मुझे लगा उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। चाहिए 30 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 30 रुपए के लेवल्स पर उसके नीचे बंद हो तो आपको एग्जिट लेना, दवाई खोल लीजिए। अगला सवाल पूछने के लिए कुमार हमारे फोन पर कोलकाता से। कुमार नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरे पास 5G के पास है, जिसको मैं 19.5 का ज्यादा स्टैंडर्ड है और मेरा वर्जन पॉप ठीक है, मुझे अभी कॉल करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सदानंद 5G में? अगर इनका नजरिया थोड़ा लंबा है तो मुझे लगा यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग जगह पर वापस मतलब प्लेस है, एक काफी शानदार मूव के बाद पिछले 4 हफ्तों में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड जिस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी ओपन हो रही है, मुझे लगा ये पूरी स्पेस एक अच्छी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और यू नो इंक्रीज करना चाहिए, तो जिस तरीके से फिलहाल पैटर्न प्लेस है एक मूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, वहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, सो क्लियरली यहाँ पर मुझे लगा कि 130-135 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए काउंटर में, आगे जाकर मुझे लगा यहाँ पर पोजीशन और ऐड भी की जा सकती है, स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए 82 के आसपास, मुझे लगा वहीं पर एक इंटरमीडिएट स्विंग बना था, वो अगर स्विंग ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, फिलहाल जिस तरीके से मार्केट पोजीशन है मुझे लगा 82 एक अहम लेवल होगा बने रही है, इनफैक्ट अगर हमको पोजीशन ऐड करनी है तो वो भी सलाह होगी 130 के टारगेट के। अगला सवाल रविंद्र ने बेचा है ट्विटर के शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 12,000 शेयर्स 59 के प्राइस पर और मैक्सिमम फार्मा 4,000 शेयर्स 53 के प्राइस पर, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 59 और मैक्सिमम फार्मा 53 दोनों पर आपके कमेंट्स? शिपिंग ऑपरेशन में तो एक राइजिंग विंडो स्टैब्लिश हुआ था 78 के आसपास, मुझे लगा उनको स्टॉप लॉस वहीं पे प्लेस करना चाहिए, कई बार भी यू नो नेगेटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे लगा यहाँ पर स्ट्रेंथ बरकरार है एंड फिलहाल यहाँ पर भी जिस तरीके से बजट प्ले हो रहा है, मुझे लगा 105-110 उनके लिए रिवीजन होगा, डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिल जाते हैं 85-84 एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर स्टॉक एक्युमुलेट करना चाहिए, 78 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस एंड 105-110 होगा रिवीजन। और दूसरा स्टॉक इनके पास मैक्सिमम फार्मा है, उसका कमेंट्स क्या होंगे? फार्मा में कहीं जाकर थोड़ी सी जाकर डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, तो मुझे लगा यहाँ पर अहम रेजिस्टेंस है 65 का, अगर ये इमीडिएट बेसिस पे अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर 70-72 तक की मूव देखी जा सकती है, सो फिलहाल जिस तरीके से पोजीशन है मुझे लगा 55 के स्टॉप लॉस के साथ उनको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए, अगर 65 निकल जाता है तो 70-75 की जर्नी काफी क्विक हो सकती है, तो फिलहाल तो मुझे लगा यहाँ पर वेट एंड वॉच करें एंड 65 जैसे ये बैरियर निकल जाता है आप एक बार पोजीशन रिव्यू कीजिए। मनोज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैं तो बेल के 1,040 रुपए काट रहे थे।
40 रुपए 60 पैसे के आपके बाएंगे, भेड़ों के आसपास ट्रेड हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा नीचे 40 के आज बंद हुआ है। आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सदानंद, भेड़ में 40 रुपए की बाएंगे इनके, क्या करें आप? ये देखिए यहाँ पर भी पिछले चार दिनों से एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन ही हुआ है, इनफैक्ट एक ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में अराउंड 37 लेवल के आसपास, एंड मुझे लग रहा है वहां तक भी थोड़ी सी डिक्लाइन आ भी जाती है तो स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इनफैक्ट आप रिकमेंड करने की सलाह होगी 34 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो मुझे लग रहा है वहीं पे हमको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न इवॉल्व हुआ था, एक री फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, उसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 45 के आसपास प्लेस है, जो एक दूसरा यू नो मिड टर्म रेजिस्टेंस जोन भी रहा है, तो मुझे लग रहा है 45 एक रिव्यू जोन होगा उनके लिए, बट अगर डिक्लाइन थोड़ी सी हो भी जाती है तो डरिए मत, रिकमेंड करने की सलाह होगी स्टॉप लॉस लगाना आपको 34 के आसपास। होल्ड कीजिए मेरे फोकस स्टॉप लॉस के साथ। सुमित परे ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, निफ्टी का कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदा हुआ है 28 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का सदानंद 14500 का, तो ये तो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 14500 का कॉल ऑप्शन 28 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने किस लेवल पर लिया है, लेकिन हां इस ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में बिल्डअप तो ठीक था, 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था और 109 रुपए का प्राइस है, तो प्राइस इनका मेंशन नहीं, बट जानना चाहते हैं कि अगर इन्होंने लिया हुआ है तो क्या इसको होल्ड करें इस कॉल ऑप्शन को या फिर कोई और सजेशन होगा? देखिए काफी क्लियर एंड सिंपल स्ट्रेटजी उनको रखनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम उनके पास है, एंड जिस तरीके से फिलहाल मार्केट का परफॉर्मेंस है, मैंने बताया कि यू नो एक अंडरलाइन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें तो कहीं ज्यादा वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन होने की गुंजाइश है, 14000 एक इंपॉर्टेंट स्तर होगा, मुझे लगा जिस तरीके से वहाँ पर बिल्डअप है, अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक करेक्शन या करेक्टिव एक्शन मार्केट में एस्टैब्लिश होने की चांसेस है, तो मुझे लगा वहाँ पर उनको अपने स्टॉप लॉस प्लेस करने चाहिए, सिंस उनके प्रीमियम्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, मुझे लगा वही एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेवल होगा, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग बाय से वहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो न्यूनतम सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 13660 के आसपास की है, बीच में कोई बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, तो 14000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा उनके लिए, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा रिड्यूस कीजिए। हमारे साथ फोन लाइन पर कोड़ा राजस्थान से, हमें बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, मेरे पास ग्लोबल स्क्रीन के 200 शेयर 39 के रेट के, और आज भी उसमें अच्छा सर्किट लगा होता है, फीचर्स को क्या करना, होल्ड रखना या निकाल लेना चाहिए? अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है, पहली चीज ग्लोबल स्क्रीन में 139 पर और 382 पर तो ये आ चुका है, तो टू टाइम्स तो ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई हो चुका है, और इनफैक्ट सर्किट से लगा कि जेनरल रिस्क नंबर्स है, उसके बाद पूरे हेल्थ स्पेस में अच्छा स्ट्रांग मूव आज देखने वाला, थोड़ा मुनाफा ले लें यहां पर या रखें इसको भी ग्लोबल स्पेस ज्यादा? पहली बात तो इनकी एंट्री काफी सही लेवल पे और सही समय पे आई है, इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखें तो लगभग 2010 से लेकर 2020 तक इन्होंने एक पर्टिकुलर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन स्टेज में ही था, जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट किया था वहां काफी स्ट्रॉन्ग पर्पेंडिकुलर मूव यहां पर आई है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पैक में सबसे स्ट्रॉगेस्ट रहा है, जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है मुझे लगा यहां पर उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 15-20 दिन का डेटा देखें तो वहां पर अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकआउट वाली मूव आई है, तो डेफिनेटली वहां पर मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी ही रखनी चाहिए, 334 मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली उनको पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए, एक हाई मोमेंटम ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है काउंटर में, इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 410 से 415 की स्विंग बन सकते हैं, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल पे एंट्री है, अच्छी तरह से राइट कर रहे हैं, तो यहां पर पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए और राइट करना चाहिए अपने प्रॉफिट को 334 के स्टॉप लॉस के साथ। 334 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए पोजीशन को। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए भावेश राठौर ने भेजा है, फेडरल बैंक पर 57 के प्राइस पर 100 शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए, जानना चाहते हैं क्या करें अवेलेबल्स पर, तो बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए फेडरल बैंक पर? देखिए अगर शॉर्ट टर्म का लिहाज है तो मुझे लगा 72 का भी एक ऐसा स्विंग लेवल है जिसके नीचे मुझे लगा थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए, एंड ऊपर मुझे लगा काफी बड़ा हर्डल है अराउंड 80 के आसपास, तो फिलहाल जिस तरीके से इसके वीकली एंड डेली आरएसआई प्लेस है, ट्रेंड स्ट्रेंथ कहीं जाकर ओवरबॉट सिचुएशन प्रेजेंट कर दिए, तो 80 के लेवल के आसपास पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए, 72 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। 72 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए फिलहाल इस पोजीशन को, 80 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां पर ही अटक सकता है। इस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ सदानंद देकर बने हुए हैं फ्रेंड से, और क्वेरीज हमें ढेर सारी मिल रही है, अगला सवाल लेते हैं, और कमल महाजन ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, दो शेयर्स है इनके पास, और पहले कमल का सवाल लेते हैं, उसका रमेश भी हमारे साथ फोन पर है, कमल का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कंटेनर कॉर्प 410 की इनकी बाई है और कल्पत्रु पार में 331 की बाई है, तो दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स? कॉन्कॉर्म में तो एक खास फिलहाल नहीं ब्रेकआउट हुआ है, अपने 200 इन्फॉर्मेशन एवरेज के ऊपर से कॉन्फिडेंट क्लोज प्रेजेंट किया, तो मुझे लगा यहां पर उनको अपने लॉन्ग्स को मेंटेन करना चाहिए 410 के स्टॉप लॉस के साथ, एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस देखें तो लगभग अराउंड 465-470 के जोन में है, तो वहां पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए, एंड जहां तक कल्पत्रु पावर का सवाल है मुझे लगा यहां पर ये पूरी स्पेस काफी समय के बाद बसेंगे, एंड जिस तरीके से यहां पर भी एक मूव आई है तो मुझे लगा इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम मिला है काउंटर में मुझे लगा वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो 365 के टारगेट के लिए उनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए 310 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है रमेश, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने आईडिया के शेयर 120 रुपए पर किए हुए हैं, अंदर सारे मेरे पास क्या करूं, मैं रुकूं क्या? 120 तो ये तो फिर ये 2016 के आसपास की बाइंग है क्या आपकी? 16 में खरीदा था, फिर वो जो इसका जो आया था मेरे पूरे वो जी पुरानी बाइंग इनकी मयूर सजाना, इन्होंने 5-6 साल का समय दिया इस इन्वेस्टमेंट को, देखिए कितना शानदार मुनाफा हो रहा है, 540 पर स्टॉक कर रहा है ट्रेड, इस मुनाफे को राइड करें स्टॉप लॉस के साथ या फिर ले ले प्रॉफिट्स? देखिए एक काफी हेल्दी मूव यहाँ पर नजर आई है, काफी बड़े सर्किलर ट्रेंड में स्टॉक लॉक इन है, सो बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट अगर हम न्यू टर्म का भी डेटा देखें तो लगभग 350 से लेकर 500 का ये जो कंसोलिडेशन बैंड था उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर महीने में ही आया, मुझे लगा यहाँ से फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में लग चुका है, तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लगा 500 के स्टॉक लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन राइट करते रहनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने 5 साल दिया मुझे लगा अगले 2 साल इनको इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ रहना चाहिए, एंड इमीडिएट बेसिस की अगर हम बात करें तो लगभग जिस तरीके से इसके टारगेट प्लेस है अराउंड 620 तक के शॉर्ट टर्म स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजीशन मुझे लगा 500 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से, मुझे लगा जब तक इसके नीचे मंथली क्लोजिंग आती नहीं है तब तक आई थिंक उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बरकरार रखनी चाहिए एंड राइट करनी चाहिए इस सर्किलर को। हेमल ने सवाल भेजा है मुंबई से फेसबुक के जरिए, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है, हेमल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हां मैं मेरा आधार कोर्स मैंने लिया था 487 में 23 से, उसका अभी करंट भाव चल रहा है 23 से ओनली जी जी, उसका अभी भाव चल रहा है 513, उसका लॉन्ग टर्म के लिए क्या पूछ लेते हैं, लॉन्ग टर्म यू है प्रॉफिट्स में है 487 क्योंकि बाइंग अदानी पोर्ट्स में 514 के नजदीक हुआ है क्लोज, क्या सजेशन आपका? देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के लिहाज से तो मुझे लगा कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है, जिस तरीके से हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट हुआ था और 440 के आसपास का मंथली चार्ट पे मुझे लगा वहाँ पर जो वी फॉर्मेशन है उसके पैटर्न टारगेट कहीं जाकर 610 के आसपास लिस्ट है, सो डेफिनेटली मुझे लगा उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है काउंटर में, तो 430 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन उनको मेंटेन करनी चाहिए।
होल के पोजीशन को 430 एक स्टॉप लॉस के साथ 600 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है अगर समय देंगे इस निवेश को। फिलहाल के सवाल करेंगे शामिल शो में कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से सदानंद दीपाली जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया वहां पर मेरा या मेरी फैमिली में कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर हो सकते हैं। शुक्रिया आपका सभी सवालों के जवाब देने के लिए और इस शो में आने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही।